दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं रही है। रांची के गरीब परिवार में जन्मे धोनी कैसे अपनी मेहनत और टैलेंट से भारत के कैप्टन बने और देश को 3 ICC ट्रॉफीज जिताए, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। एक ऑर्डिनरी मैन कैसे अपने इंटेलिजेंस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है, धोनी इसके लिविंग एग्जाम्पल है। धोनी सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए ही इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि उनके स्ट्रगल और भारतीय टीम के कैप्टन के रूप में उनके करियर से हर फील्ड में काम कर रहा इंसान कुछ न कुछ सीख ले सकता है। तो चलिए आज जानते हैं 5 लीडरशिप लेसन के बारे में जो हमें MS धोनी से सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दोस्तों, धोनी एक ऐसे कैप्टन रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़कर लीड किया है। कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जब भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और हमारे ऊपर लो स्कोर पर ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा था। हर ऐसे मौके पर एक खिलाड़ी जो ओपोनेंट बोलर्स के सामने दीवार की तरह खड़ा रहा, वो थे MS धोनी। आपको ध्यान है, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल सिर्फ 92 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद पूरे देश के दिल में जीत की उम्मीद थी, तो उसका एकमात्र कारण थे MS धोनी, जो तब भी क्रीज पर डटे हुए थे। भारत वो मैच हारा जरूर, लेकिन धोनी ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए पूरी जी जान लगा दी। यही कारण है कि सचिन से लेकर सहवाग और द्रविड़ तक भारतीय क्रिकेट का बड़े से बड़ा दिग्गज धोनी की तारीफ करते नहीं थकता। नंबर 2, मोटिवेटर। दोस्तों, MS धोनी का व्यक्तित्व ऐसा है कि हर खिलाड़ी उनसे इंस्पायर होता है। धोनी अपने सभी साथी खिलाड़ियों को मोटिवेटेड रखते हैं, जिससे वो कठिन से कठिन सिचुएशन में भी हार ना माने और देश की जीत के लिए मैदान में लड़ते रहे। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने एक यंग टीम भेजी थी जिसको लीड कर रहे थे MS धोनी। किसी को भी इस टीम से कोई खास उम्मीद नहीं थी, रही सही उम्मीद शुरुआती मैच के फेलियर से खत्म हो गई थी, पर MS धोनी ने अपनी टीम को मोटिवेटेड रखा और वो युवा टीम पाकिस्तान को फाइनल में हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप भारत लाए। ऐसे कई मौके आए जब भारत का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, लेकिन धोनी की टीम ने हार मानना नहीं सीखा और लाख पार गिर कर भी हम लड़ते रहे। ये सब धोनी की मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी का ही कमाल है। नंबर 3, रिस्क टेकर। दोस्तों, धोनी की कैप्टेंसी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरते थे। धोनी कहते हैं कि वो ये कभी नहीं सोचते कि क्या होगा अगर वो कामयाब हो जाए या फिर क्या होगा अगर वो कामयाब ना हो पाए। ये दोनों चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं और इसलिए वो इनके बारे में ना सोचकर सिर्फ खेल पर ध्यान देते हैं। धोनी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में देखने को मिलता है, जब उन्होंने सीनियर हरभजन सिंह की जगह यंगस्टर जोगिंदर शर्मा को फाइनल ओवर दे दिया था। अगर उस दिन भारत मैच हार जाती तो इंडियन फैंस कभी भी धोनी को एक कैप्टन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते और शायद धोनी को तभी कैप्टेंसी से हटा दिया जाता। एक और एग्जाम्पल हमें 2011 के वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में युवराज से पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जिस तरह का फॉर्म युवराज का उस टूर्नामेंट में रहा था, अगर धोनी का वो फैसला गलत साबित होता तो उन्हें फैंस की जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। लेकिन ये तो धोनी है, जो फैसला लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। नंबर 4, हम्बल एटीट्यूड। दोस्तों, भारत का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन और दुनिया के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बनने के बावजूद MS धोनी के व्यक्तित्व में हमें कोई भी घमंड देखने को नहीं मिलता। वह हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। MS धोनी से पहले सौरव गांगुली ने लंबे समय तक भारत की कैप्टेंसी की थी। जब गांगुली अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, तब धोनी ने उन्हें कुछ समय के लिए कैप्टेंसी करने का मौका दिया था, जो कि धोनी के हम्बल एटीट्यूड को दिखाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रहते हुए हमने कितनी ही बार देखा है कि जब भी कोई दूसरी टीम का खिलाड़ी उनसे टिप्स मांगने आता है, तो MS धोनी उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आपको भी MS धोनी का कोई रिस्पेक्ट मोमेंट याद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। नंबर 5, सपोर्ट टू यंगस्टर्स एंड करियर चेंजिंग डिसीजंस। दोस्तों, MS धोनी हमेशा से यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जाने चाहिए। अब जरा दोस्तों रोहित शर्मा के करियर पर नजर डालिए। अपने करियर के शुरुआती साल वो मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे, जहां वो खुलकर नहीं खेल पाते थे और इसलिए भारतीय टीम में उनकी जगह भी पक्की नहीं थी। लेकिन इसके बाद धोनी ने उन्हें एक ओपनर के रूप में भेजने का फैसला किया और आज रोहित को दुनिया के बेस्ट ओपनर्स में गिना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे 5 लीडरशिप लेसन्स जो आप MS धोनी से सीख सकते हैं। आप धोनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।